झाबुआ जिले में आज तड़के से कहीं पर तेज तो कहीं मध्यम बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते पूरे जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदी नाले उफान पर हैं। बात अगर इससे होने वाली आफत की करें तो पेडलावत के कन्या परिसर में पानी घुस गया, वहीं टेम्बरवानी गांव में 6 से ज़्यादा तालाब फूट जाने से सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आज तड़के से शुरू हुई बारिश ने दोपहर होते होते झाबुआ में आफत का रूप ले लिया। इन तस्वीरों को देखिए, टिमरवानी गांव में एक के बाद एक 6 तालाब फूट गए। उनका पानी सैलाब बनकर खेतों में खड़ी फसलों पर टूट पड़ा और देखते ही देखते फसलें बर्बाद हो गई। सैकड़ों हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब इलाके के अधिकारी नुकसानी की आकलन की बात कह रहे हैं। क्या कैसे ये नुकसान हुआ और क्या स्थिति है? पानी ज्यादा गिरने से तालाब फूट गया, ज्यादा पानी आ गया। क्या हुआ फिर? और घरों में पानी घुस गया और खेतों में भी पानी घुस गया, तो खेत मकई कपास सब चला गया, फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई। क्या नाम है आपका? तोलिया। क्या घटना हुई है सर? ये तालाब जो वन विभाग में तालाब फूटी हो तो सब ये फसल फूटने से सब फसल नष्ट थी। सब किसानों ने मतलब खेत में पानी भर गया। कितने तालाब फूटे हैं? पानी करीब 6 तालाब। क्या नाम है आपका? अलसिंह। सर 3 और 2 जगह पे पुल के पास का रोड और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हाँ, उस दिन अतिवृष्टि हुई थी और अतिवृष्टि की स्थिति में ये क्षतियाँ हुई है। मौके पर हमारी टीम गई थी। मौके पर हमारे SDM साहब, मैं, हमारे सहायक यंत्री, सब इंजीनियर्स, हम सभी लोगों ने सारे जितने भी संरचनाएँ हमारी डैमेज हुई है उनका निरीक्षण किया है और क्षेत्रीय जनपद अध्यक्ष MLA साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी अवलोकन किया परिस्थिति का और SDM साहब ने स्पेशल निर्देश दिए हैं पटवारियों को कि वो मौके का सत्यापन करें, निरीक्षण करें और जो भी क्षति हुई है किसानों के खेत में, यदि फसल की क्षति हुई है तो उसका भी आकलन करके वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराएं ताकि उसकी आगामी कार्रवाई की जा सके। सापा नदी उफनने से काली देवी पारा मार्ग पूरी तरह से बंद पड़ा है और यातायात सुबह से यहाँ पर थमा हुआ है। आज सुबह करीब 6 बजे से आई हुई है जिससे यातायात अवरुद्ध है और काली देवी खैडू झाबुआ मार्ग अवरुद्ध है, जिससे कि ये अगले करीब 3 घंटे 4 घंटे तक अवरुद्ध ही रहेगा ये मार्ग। क्या नाम है आपका? जी, मैं राकेश डावर। बारिश ने पेटलाव में भी रौद्र रूप दिखाया। बारिश का पानी कन्या उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में घुस गया। नतीजतन बच्चियों की छुट्टी करनी पड़ी। स्कूल परिसर में पानी घुस जाने से बालिकाओं को काफ़ी दिक्कत महसूस हुई। खुद हेडमास्टर लीला सेंचा ने बताया कि ये उत्कृष्ट नाम का है क्योंकि यहाँ पर ये जर्जर भवन है। हाँ, कन्या उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय पेटलाद में रात को भयंकर बारिश हुई तो पूरे ग्राउंड में पानी भर गया और कमरों में भी पानी भर गया और फिर आके हमने देखा और उसके बाद बच्चों की हमने छुट्टी कर दी और पानी को निकालने की कोशिश करी और बहुत ही जर्जर स्थिति में है, इसलिए हमने बच्चों की छुट्टी कर दी। आपका नाम? लीला सिंचा, प्रधान अध्यापक कन्या माध्यमिक विद्यालय पेटलावल। पूरे अंचल में सावन मेहरबान है। लगातार क्षेत्र में झमाझम और रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारिश ने एक और जहां ठंडक घोलने का काम किया, वहीं दूसरी ओर कई जगह परेशानी का सबब भी बनी है। स्कूल हो चाहे खेत हो, स्कूल टापू बन गए तो खेत तालाब बन गए। बारिश से जनजीवन प्रभावित है। झाबुआ जिले की हर ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए झाबुआ लाइव न्यूज़। खड़ीबड़ी से सिराजुद्दीन बंगड़वाला, थानला से रितेश गुप्ता, पेटलावस से सलमान शेख की रिपोर्ट।